हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखिए, मेरा दिन सुबह सुबह से चालू होता है चाय से और टिफ़िन मेरे हस्बैंड के लिए टिफ़िन बनाने से। तो यहाँ पर मैंने भिंडी की सब्ज़ी बना ली है और मैं आज भाखरी बनाने वाली हूँ। और यहाँ पर ये देखिए, मेरा बेटा भी मेरे साथ ही उठ जाता है और सुबह सुबह में वो खेलने लगा है। यहाँ पर वो गाड़ी के साथ वो खेल रहा है और मैं खाना बना रही हूँ। और ये मूंग की दाल है जो मैंने भिगो कर रखी थी, तो मैंने कल मैं कुछ नहीं बना पाई थी, तो मैंने इससे क्या करा कि फ्रिज में रख दी। और फिर आज मैंने इसमें थोड़ा सा लहसुन मिर्च वो डालकर इस तरह से ये मिक्सी में पीस लिया है। और इसके ये देखिए, ये मैंने वड़े बना लिए हैं और नमक डाला है और दूसरा कुछ भी नहीं डाला, बस ऐसे ही मैंने ये मिर्ची और ये सब डालकर ये वड़े बना लिए थे, मूंग दाल के वड़े। और वो खाने के बाद मैंने दोपहर में सारे काम मेरे ख़त्म हो गए थे, उसके बाद मैंने खाना खाया था जो ये देखिए भाखरी सब्जी और ये छाछ। छाछ के साथ ही खाना खाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा का मतलब कुछ नहीं है, सूखा सूखा लगता है खाना, छाछ होती है तो अच्छी तरह से हम लोग खा लेते हैं। और ये गर्मी के सीज़न में छाछ खाना बहुत पसंद है। और ये टीवी देखते देखते मैं खाना खा रही थी और ये क्लिप है बहुत दिनों पहले का, जो मैंने बताया था ना कि भी उसके बाद मैं थोड़ी सी बीमार हो गई थी, तो मैंने ये सब मैं आपको शेयर नहीं कर पाई थी। तो हम लोग गए थे होली के अगले दिन की ये क्लिप है, हम लोग बाज़ार में गए थे, मंगल बाज़ार जो हमारे बड़ोड़ा में मंगल बाज़ार है वहाँ गए थे, लेकिन ख़रीदारी करने वहाँ पर नहीं गए थे हम लोग, बस ऐसे ही घूमने गए थे। ये देखिए सारी ज्वेलर्स की दुकान है लाइन में ही, और ये इसे मंगल बाज़ार कहते हैं। और ये देखिए अंदर बहुत बड़ा सा ये बाज़ार है, यहाँ पर सब कुछ मिलता है, सब कुछ आपको जो चाहिए वो यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं मुझे कुर्तियाँ लेनी थी इसीलिए मैं आई थी, लेकिन कुर्तियों का जो दुकानें थी वो बंद थी, इतनी ज़्यादा खुली हुई नहीं थी। तो हम लोग यहाँ पर उतरे ही नहीं थे क्योंकि भीड़ भी ज़्यादा थी और कोरोना की वजह से आपको पता ही है होगा कि बस भीड़ में जाना अवॉइड करना चाहिए और हम लोग भी अवॉइड कर रहे थे। लेकिन हम लोग बाज़ार में इसलिए गए थे क्योंकि मेरे बेटे के लिए मुझे कपड़े लेने थे, क्योंकि शादी आने वाली थी, बहुत सारी शादियाँ थी हमारी घर में ही, तो इसीलिए मुझे कपड़े ख़रीदने थे मेरे बेटे के लिए, मेरी बेटी के लिए, मेरे लिए भी मैं पोशाक लेने गई थी, लेकिन नहीं मिला मेरे लिए पोशाक। लेकिन मेरे देखिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा नाश्ता, मेरे हस्बैंड को भूख लग गई थी तो वो नाश्ता करने बैठे और हम लोगों ने फ्रूट सलाद पिया था यहाँ पर। और ये वो जगह है जहाँ पर इतनी सारी भीड़ नहीं होती है, कोई लोग ही बाहर होते हैं, तो हम लोग ने सोचा कि चलो हम यहाँ पर ही ख़रीदी करने के लिए जाते हैं। तो ये देखिए हम लोग यहाँ फिर यहाँ पर आ गए हम दुकान में जहाँ पर कपड़े मिल रहे थे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। मैं अपने लिए पोशाक यहाँ पर देखने के लिए आई थी, लेकिन जो मुझे चाहिए था वैसा नहीं मिला तो मैंने अपने लिए नहीं लिया, लेकिन मेरे बेटे के लिए भी मुझे कपड़े ख़रीदने थे तो सोचा कि चलो यहीं से ही ले लेते हैं। तो एक ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन ये गर्मियों के हिसाब से हम नहीं पहना सकते बच्चों को, क्योंकि वैसे भी बहुत गर्मी होती है अभी समर में, और ऐसे कपड़े पहनाएंगे तो बच्चे नहीं अच्छी तरह से नहीं घूम पाएंगे, फिर पाएंगे, खेल पाएंगे। इसीलिए मैंने एक दूसरा पसंद किया, ये जो चेक्स वाला था वो। और लेकिन मुझे इतना अच्छा लगता था ये कि मैं इसे बार बार देख रही थी कि किस तरह से ले है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन फिर मैंने, और इसकी प्राइस भी थोड़ी ज़्यादा थी, तो और अभी बच्चा छोटा है तो एक बार या दो बार पहनेगा तो इतनी भी प्राइस में नहीं दे सकती इस चीज़ की, तो इसीलिए मैंने वो नहीं ख़रीदा था। और बस एक दो जोड़ी मैंने यहाँ से मेरे बेटे के लिए कपड़े ख़रीदे थे, एक चेक्स में जो सूट था एक वो ख़रीदा, और एक लहंगा और जब्बे की तरह था वो ख़रीद लिया था। वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी एक नए वीडियो में, मैंने क्या क्या ख़रीदा है अपने लिए, सबके लिए। और ये देखिए, ये मेरे हस्बैंड के स्टाफ के एक भाई साहब यहाँ पर रहते हैं, तो
हम लोगों, मेरे हस्बैंड को कुछ काम था यहाँ पर, तो वो यहाँ पर आए थे, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर वीडियो बना दी। हम लोग गाड़ी में ही बैठे थे और हम लोग चले, अब निकले घर की तरफ, थोड़ा सा हमने घूमा यहाँ वहाँ। फिर मैंने एक, मैं ज्वेलर्स की दुकान में भी गई थी मेरे बेटे के लिए हाथ के कड़े लेने के लिए, तो वो भी मैंने लिया, लेकिन वो मैं सूट नहीं कर पाई थी। तो चलिए मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और लाइक ज़रूर करिए। चलिए बाय, मिलती हूँ नए ब्लॉग में।